गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हो गई है सुबह, मॉर्निंग काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा मौसम कर रखा है। मैं भी बालकनी में वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं उठी थी कब की, बट आज मैं 5 बजे उठ गई थी। डेली है ना जल्दी उठने की हैबिट, तो फिर थोड़ा फ़ोन वगैरह चलाया, फिर ब्लॉग वगैरह एडिट कर रही थी। उसके बाद अब फिर काम वगैरह हो गया मेरा, खाना वगैरह सब बनाया, फ्रेश व्रेश हो गया। मैं जा रही हूँ जिम, क्योंकि आज मॉर्निंग में जाना है। मेरी सारे 11 से शिफ्ट है आज, और रात के 9 बजे तक रहेगी, 10 बजे मैं घर आऊँगी। तो इसलिए मॉर्निंग में जिम जाना है, जिम नहीं छूटना चाहिए। और कल मैंने मूवी देखा था, तो मैंने अपना रिव्यू शेयर किया था। आप लोग अपना बताना फीडबैक कैसा लगा आप लोग को मूवी। मूवी काफ़ी अच्छी थी, इंस्पिरेशन थी, और आजकल की उस पर डिपेंड करता है, जनरेशन पर, सब पे। तो और कुछ नहीं, अब मैं जा रही हूँ फटाफट। सुबह मैं जिम जा रही थी तो मैं ये ले रही हूँ, क्योंकि खाली पेट जिम नहीं करना चाहिए, तो एप्पल ले रही हूँ। एप्पल खा के थोड़ा जाऊँगी, वैसे वर्कआउट नहीं होता है खाली पेट ना, मन नहीं होता है। तो आज है मेरा चेस्ट का वर्कआउट, अभी मैं जा रही हूँ जिम। जिम जाके फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। ये मैंने लाइनर लगाया था तो नीचे पूरा हो गया है, पिघल गया है। अभी मैंने फेस धोया ना, फिर फ्रेश होके आई, तो इसलिए चलो कोई नहीं, हो जाएगा। चलिए फिर जिम पहुँच के फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से। गाइस, हे गाइस, आ गए मैं जिम में। अब मैं जा रही हूँ वर्कआउट करने, आज चेस्ट और ट्राइसेप्स करूँगी। चलिए फिर वर्कआउट करके फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से जल्दी, 8 बजे जल्दी फटाफट वर्कआउट करना है। गाइस, मैं हो गई रेडी और लेट हो गया था थोड़ा, मतलब जिम जाने में ना, आज फर्स्ट डे था ना ये वाले शिफ्ट के, तो पता ही नहीं चला मुझे, लेट हो गई थी। मैं जा रही हूँ फटाफट, मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। ऑफिस पहुंच के कैब में जाके मिलती हूँ आपको। गाइज, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, STL में जॉब अप्लाई करने के लिए लिंक आप ये ऑनलाइन क्रोम या ब्राउज़र में देख लो, एंटर करोगे तो आपको इतने सारे दिख जाएगी। आप लोकेशन बेस्ड अप्लाई कर सकते हो, और लिंक्डइन में प्रोफाइल बना के मैंने पहले भी बताया है, लिंक्डइन में प्रोफाइल क्रिएट करो और वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। देख लो कितने सारे लिंक है, किसी एक पर क्लिक करो और फिर अप्लाई करो जॉब। और वैसे ही टेक महिंद्रा का भी है, वैसे ही सारे उसके वेबसाइट है इस पर, तो आप अप्लाई कर सकते हो, अभी जॉब अवेलेबल है। बाकी मैं अपडेट भी शेयर करती हूँ जो मुझे पता चला है GET रोल के लिए। तो गाइस, ये है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जॉब इन SCL। आप इसको यहाँ पे इतनी सारी है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने एक ओपन किया है, यहाँ पे फुल टाइम है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, पूरा डिटेल दे रखा है नीचे। यहाँ पे करोगे तो आपको शो होगा, उधर आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लिंक्डइन के थ्रू करो और Naukri.com के थ्रू।
कहिए मैं एक और शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ। देखो इतने सारे यहाँ देख रहे हो ना, नोएडा क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर सेंटर। जी आप जॉब डिटेल है, लोकेशन है, डिस्टेंस है, एवरेज मेंशन है। यहाँ पे आप सब पे क्लिक करके जिस लोकेशन पे चाहते हो अप्लाई करना आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, तो इसमें कोई और लिंक ओपन नहीं हो रहा है, फॉर सिक्योरिटी रीज़न ब्लॉक है सारा, एक्सेस डिनाई है। मैं दिखा रही ऑनली सिर्फ एस सी एल का ही ओपन होगा। ये देखो तो मैं और आपको लिंक दिखा रखी हूँ, ऐसे मैं फ़ोन में मिलकर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हे गाइस, अभी मैं ऑफिस में हूँ, आप लोगों को पता है मैं मॉर्निंग में आई थी और आज वीडियो नहीं ठीक से शूट कर पाई क्योंकि लेट हो गया था, काफ़ी टाइम नहीं मिल पाया था। तो फिर और ऑफिस आई तो आज मेरी शिफ्ट डे थी, तो फिर काफ़ी रश था ऑफिस में, तो ब्लॉग बनाया बट प्रॉपर उतना अच्छा नहीं बनाया, नहीं शूट कर पाई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए मैं फिर अभी थोड़ा बाहर आई हूँ। और मैंने अभी आप लोग को अपडेट प्रोवाइड किया था, तो देख लो आप लोग, देख लेना वीडियो में, और लिंक भी मैंने शेयर किया एक और फिर से, मैंने पहले भी वीडियो में कर रखा है शेयर और एक और अगेन मैंने शेयर किया लिंक, तो आप लोग प्लीज़ गाइस अच्छे से देख लो और कर लो। और मैंने बहुत सारा कमेंट देखा आप लोग का, कमेंट ये था जीटी रोल के लिए, जीटी रोल बहुत ज़्यादा बहुत लोग का पेंडिंग पड़ा है जो काफ़ी टाइम से है वो, इसलिए मैं उस पर अपडेट देना चाह रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं कुछ ना कुछ अपडेट रोज प्रोवाइड करती हूँ आप लोग को जॉब से रिलेटेड, जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना करती हूँ, जितना मुझे आइडिया होता है या फिर मुझे जितना नॉलेज मिल पाता है ऑफिस से तो मैं शेयर कर देती हूँ। और अभी जीटी रोल के लिए ये है, हायरिंग चल रही है जीटी रोल के लिए, बहुत टाइम से हायरिंग फ्रीज थी 6 मंथ से, तो काम वर्क धीरे धीरे हो रहा है, प्रोसेस बहुत सारे बच्चे हैं, मोस्टली 30 ऐसे कुछ होंगे, 30,000 वगैरह एजेंट, तो सबका पेंडिंग था, तो हर बैच वाइज हो रहा है। आप लोग कमेंट पे भी किए थे कि मैम मेरा इस बैच का पेंडिंग है, इस बैच का कब आएगा, कब अपडेट है, तो हायरिंग बिल्कुल स्टार्ट हो रखी है, ऑनबोर्डिंग हो रही है, और जिसको मेल आ रखा है वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आप लोग को बहुत जल्द और मेल आएगा, प्रोसेस आप लोग की ज्वाइनिंग डेट स्टार्ट हो जाएगी, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होगी। आज मेरी एक मीटिंग, मतलब मैं आ रही थी तो मेरी एक बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे, मतलब मैं उनसे डिटेल पता किया मैंने, तो जीटी रोल के लिए हायरिंग फ्रीज थी बट ज़्यादा फ्रीज नहीं थी क्योंकि ये एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, तो इसके लिए हायरिंग बिल्कुल चल रही है और आप लोग ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को बिल्कुल भी, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो, आप लोग को मेल आएगा, कॉल आएगी एस सी एल की तरफ से। और इफ पॉसिबल मुझे बहुत सारे लोकेशन, मतलब एचआर का नाम बताया आप लोगों ने, अगर मेरे से पॉसिबल हो सकता है तो मैं जाऊँगी मिलने के लिए, आज ट्राई करती हूँ, अगर हो गया तो देन तो मैं अपडेट प्रोवाइड कर ही दूँगी। और अगर आप लोग को पॉसिबल है तो प्लीज़ आप लोग, अगर यहाँ जैसे नोएडा 126 में लोकेशन आप लोग का है तो आप लोग आके विजिट करो और पता करो, एकदम आपको पता मिल जाएगा अपडेट बहुत अच्छे से। ये टावर 1 में होती है इस सबकी प्रोसेस, कोई आया तो नहीं है, टावर 1 में होती है प्रोसेस, तो आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करो और आके यहाँ पे विजिट करके आप डायरेक्ट बात कर सकते हो कि जिसके पास ऑफिशियल मेल है और जिसका हाफ प्रोसेस हो गया है 50% और जिसका कुछ नहीं हुआ है उनको आप डायरेक्ट मेल करो और पता करो। बाकी देखो मैं अपडेट प्रोवाइड कर सकती हूँ बट आप लोग को अपने एंड से करना पड़ेगा। और बाकी जिसको जिसकी 50% हो रखी है कंप्लीट उसके लिए तो गुड है, आप लोग खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, आप लोग को बहुत जल्द मेल आ जाएगी और आप लोग आके भी विजिट करके पता कर सकते हो। तो वेट मत करो, आओ और पता करो, जीटी रोल के लिए चल रही है हायरिंग। और फिर अगर जिसको जॉब करना है, जो फ्रेशर से जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग के लिए भी मैंने लिंक डाल रखा है वीडियो में, तो आप लोग वहाँ से लिंक अप्लाई कर सकते हो और फिल कर सकते हो फॉर्म। और हाँ गाइस, आप लोग पहले बात तो ये, एक प्रोफाइल आप लोग लिंक्डइन में बना लो और एक प्रोफाइल naukri.com पे, आप वहाँ से जॉब अप्लाई करो, आपको कॉल आएंगे और आपको प्रोसेस भी पता चलेगा, वो बेस्ट है। देखो ऑफिशियल लिंक क्या होता है ना, कभी कभी हम मान लो गूगल या क्रोम से अप्लाई कर देते हैं बट वो क्या होता है ना, पेंडिंग रहती है काफ़ी टाइम पे, वो अप्रूव नहीं होती है क्योंकि देखो उनका एस सी एल का
टाइप है, लिंक्डइन में डायरेक्ट लिंक वो पेस्ट करते हैं naukri.com पे, तो पहले ही आप एजेंट को वो naukri.com का देखते हैं, फिर लिंक्डइन का देखते हैं, तो वहाँ से लेते हैं आईडी। उसके बाद वो एक्सटर्नल साइट देखते हैं कि अच्छा कहीं और से आ रखा है, देन वो करते हैं। तो आप लोग पहले लिंक्डइन में प्रोफाइल क्रिएट करो, वहाँ से अप्लाई करो। अगर एसएल में नहीं होता है, TCS में करो गाइस, विप्रो में करो, फिर आपको टेक महिंद्रा में करो, ये सब में करो। हर अभी सभी में हायरिंग अनफ्रीज्ड हो गई है, ये मैं पहले भी बताई और फिर बता दे रही एक बार। एक तो बहुत सारी कंपनी आपको जॉब करना है तो आपको बैठे बैठे नहीं मिलेगा। आप सोचो मतलब होता है ना कोई कि ठीक है हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो आपको खुद से करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, बाकी तो हो ही जाएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करो फटाफट और वहाँ से लिंक करो अप्लाई, और GT रोल वाले हैप्पी हो जाओ, आप लोग के लिए बिल्कुल अनफ्रीज हो रखी है और हायरिंग चल रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं कि आज प्रोसेस हो जाएगा कल हो जाएगा, मैं टाइमिंग नहीं बता रही ना डेट बता रही, टाइम लगेगा, बैच वाइज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आप लोग थोड़ा और वेट करो, बहुत जल्द आप लोग के पास भी मेल आ जाएगी। ठीक है गाइस, ठीक है, काम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये अभी भी उतना हेक्टिक नहीं है। और अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, तो जितने भी बाहर वाले हैं, मतलब मेरे जितने भी क्लाइंट हैं US बेस्ड, तो क्रिसमस अभी से उनके यहाँ स्टार्ट हो रखा है, तो बहुत लोग छुट्टी पे चले गए हैं, बहुत लोग लीव पे हैं, तो अभी वैसे भी दिसंबर मंथ में काम कम होगा, जैन से होगा ज़्यादा, जैन के बाद से सब रिटर्न आएंगे तब। बाकी मैं भी थोड़ा ब्रेक लेके आई थी, ऑफिस में बहुत ज़्यादा अंदर भीड़ है, तो मैं वहाँ पे नहीं बोल पाती, बहुत धीरे धीरे बोलना होता तो फिर वो दिक्कत होती, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और जो भी अपडेट होगा मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करूँगी और कर ही रही हूँ आप लोग के साथ प्रोवाइड। तो प्लीज़ गाइस जाओ जल्दी जल्दी, मेरा वीडियो नहीं देखे हो पहले वाला तो पहले वाला वीडियो देखो, और वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा हर लिंक, और लिंक भी पता चलेगा, प्लस कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे प्रोसेस है, वो वगैरह वगैरह हर चीज़। तो बाकी कुछ और अपडेट होगा तो मैं दूंगी। चलिए गाइस मिलते हैं फिर, तो दोबारा। गाइस अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, अभी टाइमिंग हो रही है 4 बज रही, देखो मौसम कितनी अच्छी है। सपना हाय करो, हाय। ये देखो गाइस पीछे हमारी टाइमिंग लेट चल रही है ना, तो हम लेट जा रहे हैं अभी खाने के लिए, जाते चलिए फिर लंच करके फिर दिखाते हैं। मैडम लंच ब्रेक इसके भी सेम है सर, हमारी वाली क्या बोली मन कर यहीं पे बैठ के खा ले, आज अच्छा आ रहा ना मौसम, सही लग रहा है। हाँ मॉर्निंग में चलो, दो वीक के लिए होगी ना। इस बारे में लंच कर रहे हैं, रोटी सब्जी सिंपल खाना और कुछ नहीं, और मैंने कॉफ़ी लिया है, एक ऑमलेट लिया है, ऑमलेट खाने का मन कर रहा है, डाइट तो कंप्लीट करना ही है, चलिए फिर खा के मिलती हूँ। गाइज लंच करके हम आ गए, अब जा रहे हैं ऊपर काम करने के लिए, 9 बजे तक हमारी शिफ्ट है, चलिए ऊपर जल्दी मिलते, बहुत सर दर्द दे रहा है, पर खा के सही लगा भी, चलिए फिर ऊपर जाके मिलती हूँ। एक चीज़ मैंने बताया नहीं, तो मैं अभी प्रोटीन पी रही हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में आज मैंने शेक पिया था, प्रोटीन नहीं बनाया था सुबह, और शेक क्या चीज़ का पिया था मैं बताऊँगी बाद में, अभी नहीं। तो मैं अभी प्रोटीन पी रही हूँ, और अभी टाइमिंग हो रही है 7 बज गए हैं, तो अभी 7 बजे प्रोटीन ले लेती हूँ, फिर थोड़ा कुछ खाऊँगी शाम में, क्योंकि खन भूख लगी थी। और बाकी चलिए अभी नीचे जाती हूँ, तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ नीचे जाके। काफ़ी टायर्ड हो गया ना फेस मॉर्निंग से ना बैठे, आज बहुत मेरा सर पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा सर पेन हो रहा था ना, पता नहीं क्यों हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्या होता है ना गाइस कभी कभी। चलिए मैं रोटी पी के नीचे जा रही, मैं आपके साथ बातें करती हूँ अभी। ये देखो गाइस नाइट व्यू ऑफ SCL, SCL का नाइट व्यू देखो आप लोग। मैंने अभी शॉर्ट ब्रेक लिया था, बहुत टायर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा थक गया, आज मैंने बताया ना हेडेक हो रहा था, बहुत पेन हो रही थी, तो और अभी फ्लो भी आ गया अचानक से 6 बजे के बाद से, मॉर्निंग से तो ठीक था, तो अभी मैंने ब्रेक लिया है, तो फिर मैं सोच थोड़ा नीचे चले जाती हूँ ठंडी ठंडी हवा में मज़े करने के लिए। और चाय तो मैं पीती नहीं, कॉफ़ी पीती हूँ, एक बार मैंने पी लिया था, तो इतना पीने का मन नहीं करता ज़्यादा, तो
पे मैं आपको दिखा रही हूँ और कहाँ पे होता है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर ऑल डिपार्टमेंट, चाहे GET हो चाहे कोई भी अलग प्रोजेक्ट के लिए हो, अगर न्यू हायरिंग जो होती है तो वो मैं आप लोग के साथ आज दिखाऊंगी कहाँ पे होता है। चलिए आप मेरे साथ। ये तो मैंने दिखा रखा है, कैफ़े वन है ये। और गाइज मैंने अभी सबका कमेंट में मैं रिप्लाई कर रही थी और मैं इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई कर रही थी आप लोग को। तो आप लोग GET रोल के लिए मैंने मॉर्निंग में भी अपडेट प्रोवाइड किया है आप लोग को, भी एक बार और फिर से शेयर कर देती हूँ कि आप लोग ये देखो कुत्ते कैसे बैठे हैं, एक इधर दो उधर तीन इधर। अरे यार इधर से तो जा नहीं पाएंगे ना, चेंज करना पड़ेगा, रुक जाओ मैं उधर से जाती हूँ टर्न करके। ये SCL का मतलब वो होता ना, मतलब टहलने वाला, मतलब वॉक करने वाला वो है, बहुत अच्छी बनी हुई है। तो हाँ GET रोल के लिए आप लोग के गाइस जिसको मेल आ रखा है, हायरिंग स्टार्ट है, ऑनबोर्डिंग चल रही है, बैच वाइज हो रहा है हर एक बैच, क्योंकि बहुत सारा बैच है और काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो ऑब्वियसली बात है इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, इतने टाइम से हायरिंग बिल्कुल फ्रीज हो रखी थी तो अभी टाइम लगेगा। सो आप लोग थोड़ा और वेट कर लो, जैसे ही बैच वाइज बैच होते रहेंगे तो वैसे ही आप लोग को पास मेल जाएगा या फ़ोन जाएगा, बट जाएगा हाँ। बट आप लोग अपने एंड से प्लीज़ एक्टिव रहना, कॉन्टेक्ट करते रहना और मेरे वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं आप लोग को लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर रही हूँ और कोई नहीं कर रहा है वीडियो। मैंने देखा अभी यूट्यूब पे भी देखी, क्योंकि मैं देखते रहती हूँ ना। देखो गाइस आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स है जो मुझे कमेंट करती है मैम ये मैम वो, तो अच्छा लगता है मुझे कि चलो आप लोगों को कुछ तो यूज़फुल हो रहा है, आप लोग के लिए सपोर्टिव हो रहा है, तो प्लीज़ मैं आप लोग से एक्सेप्ट करती हूँ। आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो ऐसे ही, जैसे अपना प्यार बनाए हो ऐसे बनाए रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में भी शेयर करो, ताकि जो नहीं जान पाए उसे भी मिल पाए, वो भी देखे और उसके लिए हेल्पफुल हो जाए वीडियो। तो इतना ही, और मैं आपको टूर कराती हूँ आज SCL का। ये बिल्कुल नाइट व्यू है और काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं कहेंगे, मतलब हाँ मज़ा आ रहा है बिल्कुल नेचर में ना। देखो एक तो यहाँ इतनी पॉल्यूशन है, आपको दिख रहा होगा फॉग, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन में सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये मैं बिल्कुल आ गई सामने, ये कैफ़े टावर वन है, जहाँ पे प्रोसेस होती है कोई भी, सामने दिख रहा ना SCL लिखा हुआ, ये टावर वन है। गेट वन के सामने टावर वन मिलेगा, टावर टू मिलेगा, और गेट टू में टावर फाइव है, टावर सिक्स है, हाँ टावर फाइव टावर सिक्स, बहुत अच्छा क्लासिक है बिल्कुल, और दोनों टावर ज्वाइंट है। मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। मेरे पास ओनली आई हैव 20 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं है, 20 मिनट ही है मेरे पास, तो मैं 20 मिनट में जो होता है मैं दिखा देती हूँ। और आज काफ़ी हैक्टिक था दिन, और मेरी शिफ्ट ऐसी हो गई ना इस टाइम, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग से चलती है 6:30 से, तो बहुत ज़्यादा एजेंट थे तो टाइम नहीं मिल पाया था, मैं उतना ODC के अंदर ब्लॉग नहीं बना पाई, बट हाँ जितना हो पाया उतना मैंने किया है। ये देखो ये फ्रंट का, मतलब लाइटिंग ही सिर्फ, अब बिल्कुल रात हो रखा है बट सही आ रही ना, बहुत थक गई हूँ मैं आज, क्योंकि कल भी सोई थी 7-8 घंटे के, होता है ना मॉर्निंग से आदत हो जाती है जल्दी सोने की तो फिर। और गाइस आप लोग कमेंट में बताना आप लोग के कैसे, आप लोग को कैसा ब्लॉग चाहिए। वैसे तो मुझे पता है कि मैं फ़िटनेस से रिलेटेड कर रही हूँ, तो मैं फ़िटनेस से रिलेटेड ही ज़्यादा करूँगी, और आप लोग को फ़िटनेस से रिलेटेड जानना है, गर्ल्स को इवन बहुत सारी गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, इवन पीरियड्स में प्रॉब्लम होते हैं, इवन बहुत लोग फास्ट फूड खाते हैं, खाने में हर चीज़ में, डाइट कैसे मेंटेन करना है, डाइट क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं वो सब शेयर करूँगी आपसे। गाइस देखो आजकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि आजकल
इतनी ज़्यादा, एक तो नेचर नहीं है अच्छा, आपको एयर अच्छा नहीं मिलेगा, आपको पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो आप लोग को आपको अपनी तरफ से अपने एंड से फिट रहना पड़ेगा, जैसे मैं रहती हूँ, जैसे मैं करती हूँ हर चीज़। तो चलिए गाइज दिखाती हूँ मैं एक और व्यू आप लोग को, एक सेकेंड। तो गाइज नाइट व्यू ऑफ SCL कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत। गाइज देखो, हाँ एक चीज़ और बताई नहीं, वो कल शेयर करूँगी क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो वो मैं कल बताऊँगी। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही अपडेट, क्योंकि इसके बाद मैं 9 बजे घर जाऊँगी, फिर घर जाके मुझे खाना खाना है, बहुत थक जाऊँगी। कल मैंने लेग किया है ना, बहुत पेन हो रहा है लेग में, क्योंकि अभी बीच में गैप हो गया था मेरे जिम में काफ़ी टाइम से, तो लेग अगर हेवी करो ना, मैंने हेवी वर्कआउट कर लिया तो पेन हो गया था। चलो मैं Tower 1 लेके चलती आप लोग को। ये रहा Tower 1, यहाँ पे सारी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है, जितने भी लोग हायर होते हैं उनकी प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं पे सारा। और इधर से है, मैंने बताया ना ये, इसमें यहाँ पे बहुत सारा फ्लोर है, तो ये फ्लोर ऊपर आप जो जो डिपार्टमेंट के यहाँ पे काम कर रहे हो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से भी आप बाहर निकल सकते हो, ये ऊपर का व्यू है, बट मैं जिधर से आई तो उधर से ही जाऊँगी। चलो इधर चलते हैं, मैं एक सेकेंड दिखा देती हूँ कितना हुआ है इसमें फ्लोर। 1, 2, 3, 4, ये पूरा डिपार्टमेंट है। लॉक है वो वाला ही है। ओके गाइज, जैसा कि देखा आपने, मैं अभी Tower 1 गई थी और आप लोग को दिखाया मैंने ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रूम, क्या वहाँ पे कौन कौन सा रूम है वगैरह वगैरह हर चीज़। और वहाँ पे जहाँ पे मैं गई थी ना Tower 1 में, तो गेट क्या फ्रंट पे रिसेप्शन पे एक अंकल बैठे थे, तो उनसे मैंने कुछ अपडेट लिया है, तो वो मुझे कल अपडेट देंगे, तो बाकी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और उनका भी चैनल है, वो भी यूट्यूब पे, मतलब उनका बेसिकली सिंगिंग का चैनल है, तो वो सॉन्ग गाते हैं, पूरी फैमिली प्ले करती है और अच्छा खासा उनका है, तो मैंने देखा भी। अपनी आवाज़ करके चैनल का नेम है उनका, सही है। देखो हर इंसान अपने अपने फील्ड में, देखो पैसे कमाने का एक सोर्स नहीं होता है, इसलिए आप जॉब कर रहे हो तो आपको साइड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। तो बाकी वो मुझे बताएं कि अपडेट मैं दूंगा कल, वैसे चल रही है, मैंने तो अपडेट दे ही दिया आप लोग को, बट फिर भी एक ट्राई होता, पूछ लिया मैंने क्या जाता है पूछने में। तो ब्रेक हो गई मेरी एक सीट, मैं आई थी 7:30 पे और 8 बजने में, 5 मिनट है, 20 मिनट की ब्रेक थी, अब मैं जा रही हूँ भाग के ऊपर फटाफट, 1 घंटा और है बस, 1 घंटा टाइम पास करूँ जल्दी फिर घर जाऊँ। वो जो अंकल थे वो 6 साल से हैं SCL पे, 1 साल से नहीं 6 साल से, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, काफ़ी अच्छा है। देखो आप एक बार अगर इस कॉरपोरेट लाइफ में घुस जाते हो ना, आपको फिर दिक्कत नहीं होती, फिर आप धीरे 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 ग्रो कर ही जाओगे, अंदर आ ही जाओगे। तो आज के लिए काफ़ी लेक्चर दे दिया मैंने एज ए टीचर, मुझे टीचर होना चाहिए वैसे। मैंने टीचिंग भी की है गाइस, अगर आप लोग को मेरी पर्सनल लाइफ जाननी है ना, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर सबका ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे एक ब्लॉग बनाऊंगी। तो चलिए फिर अब चलते हैं ऊपर, जाके देखते हैं कुछ न्यू, बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी ऐसे अपना प्यार बनाए रखना, आपकी सपोर्ट की मुझे अभी बहुत ज़रूरत है, तो आपका सपोर्ट रहेगा लाइफ में, आगे बढ़ते चलेंगे, और क्या चाहिए गाइस, अपना कॉन्फिडेंस इधर। चलो फिर ऊपर जाके फिर मिलते हैं लोग से। गाइस लॉग आउट हो गया और अब मैं जा रही हूँ रूम पे, कैब पहले जाऊँगी कैब के पास, फिर कैब लूँगी, फिर कैब में 1/2 घंटे लगेंगे, 1/2 घंटे, क्योंकि टोटल 4 मेंबर है, मेरा 2nd राउंड मेरा इसलिए। और अभी ठंड भी लग रही है, पीछे लाइट नहीं है ना इसलिए, सर आगे चलती हूँ लाइट में, अभी ठंड भी लग रही है, ठंड बढ़ गई, अभी दिन में ही ठीक था बट अभी लग रही है। चलिए फिर
रूम पे पहुंच के मिलते हैं आप लोग से। ये देखो गाइस पूरा शांत सन्नाटा छाया हुआ है, इसलिए बस कैब मिल जाए टाइम पे, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है ना कैब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए कैब पहुँच के फिर कैब में बैठ के घर पे जाके मिलती हूँ मैं आप लोग से। गाइस खाना वगैरह सब हो गया डन और काफ़ी थक चुकी हूँ, देखो आँखों में कितनी नींद भरी है, जा रही हूँ मैं सोने के लिए। टाइमिंग हो रही है अभी 11:15, तो जा रही हूँ फटाफट सोऊंगी, नींद बहुत तेज़ आ रही है। और आई होप आपको आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ बताना कमेंट में, और बाकी जो बाकी का अपडेट मैं देती रहूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना प्यारे से बनाए रहो, बाय।